नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रोका छेका अभियान को सफल बनाने के साथ ही मवेशियों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। गौठानों का संचालन कर आवारा पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। गौठानों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त महंत राम सुंदर दास जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत मेऊ पहुंचे। आयोग के अध्यक्ष ने गांव में संचालित गौठान का निरीक्षण किया और मवेशियों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली। पामगढ़ CEO से चर्चा के दौरान बताया गया कि ब्लॉक के 60 में से 59 गांव में गौठान का निर्माण हो चुका है, जबकि बाकी के बचे एक गांव में जल्द गौठान बना लिया जाएगा। अब बनते ही गौठान योजना का प्रारंभ करें। छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गांव हैं। अब 20,000 गांव में गौठान बनना है। अधिकांश गांव में गौठान बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ जगह स्वीकृत हो गए हैं, कुछ जगह निर्माणाधीन है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँ पामगढ़ जनपद के CEO महोदय ला। वे बहुत मेहनत करके कागजी कार्रवाई पूरा करके 60 में से 59 गांव में स्वीकृत करवा डाले। लेकिन आपसे मोर आग्रह यह है तो एक लगावर छोड़े उगल जैसे जैसे करके स्वीकृत करवावा। यहाँ के 100 में 100 नंबर आपने मिला जनपद पंचायत पामगढ़ में। जांजगीर चांपा से KSN 24 के लिए रामनगारची की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।